एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शीतल लेडा और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। सबसे पहले मैं आप सबको बोलना चाहूंगी थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मेरे यूट्यूब पर हो चुके हैं 70K कंप्लीट, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबकी वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो जिन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है थैंक यू सो मच उनके लिए, लेकिन जिन्होंने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें और मेरे अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग मुझे फॉलो करें। तो जल्दी जल्दी 100K कराइए, फिर YouTube बटन सिल्वर बटन आ जाएगा तो हम भी उसका सेलिब्रेशन करेंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, वो मेरे लिए बहुत ही मतलब डिमांडिंग, क्या मैं बनाती ही वही हूँ जब लोग डिमांड करते हैं जिस वीडियो की, तो ये भी डिमांडिंग है क्योंकि जो सूट मैंने रेड सूट पहना था डेटा साहब के बर्थडे पर, वो सबको बहुत अच्छा लगा था और उसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है कि वो मैंने कैसे बनाया सूट, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है। तो वो सूट मैंने बनवाया था साड़ी में से, इंस्टा के एक ऑनलाइन पेज से मुझे मतलब एक साड़ी रिसीव हुई थी, वेलवेट की रेड कलर की साड़ी। साड़ी पहनकर भी बहुत अच्छी लगती है, साड़ी का अलग ग्रेस है, लेकिन मुझे बनवाना था, मुझे एक सूट बनवाना था वेलवेट का। तो वो साड़ी मुझे मिली तो मैंने सोचा मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ, उसके साथ उसमें बॉर्डर भी था, तो मैंने उसको यूज़ करके, साड़ी को यूज़ करके सूट बनाया। मोस्टली मैं जो ड्रेसेस जो आप लोगों को मेरी बहुत अच्छी लगती हैं वो साड़ी की ही बनी हुई होती हैं, और मैं आपके साथ ज़्यादातर शेयर कर देती हूँ जो भी आप लोग जिसकी बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज डिमांड्स क्वेरीज आती हैं। तो इसके लिए भी मुझे उस दिन से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दिया था कि साड़ी में सूट बनाया, बट कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं पता नहीं चल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो फुल डिटेल बनाती हूँ उस वीडियो को लेकर, सूट के बारे में बताती हूँ आपको। तो आगे आप देखते रहना वीडियो को, पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और कैसा लगा मेरा ये आइडिया मुझे ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर, कोई सूट का डिज़ाइन या कुछ भी जो आपको लगे मुझे बताना ज़रूर, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप अपने स्किन केयर जो आप भी करते हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैं बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं करती हूँ स्किन के लिए, बट कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक सी हैं वो मैं करती हूँ, जो सबको करनी ही चाहिए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने मेकअप किया हुआ है, तो मेरा काम है, मुझे वीडियोस बनानी पड़ती हैं इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए, तो मैं मेकअप करती हूँ, तो मेकअप को फेस पर नहीं छोड़ सकते हैं, मेकअप को क्लीन करना होता है। पर कई बार ऐसा होता है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सब कुछ मतलब पहले उसे मॉइस्चराइज़र लगाएं, फिर कॉटन से साफ करें, फिर उसके बाद फिर फेस वॉश करें, फिर उसके बाद उस पर हमें कुछ और लगाना, फेस वॉश के बाद स्किन ड्राई हो जाती है तो फिर उसके बाद लोशन लगाना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मैंने अपने लिए मंगाया है बुलबुल से, मेरा लिंक से, माई फेवरेट का ये आप देख सकते हैं 3-in-1 क्लिंजर है। तो इससे जो है इसको हमें बस फेस वॉश की तरह यूज़ करना है। तो कैसे इसे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने मेकअप किया हुआ है, मेकअप को क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ माई फेवरेट का 3-in-1 क्लिंजर, जिसमें जो फेस को क्लीन करने के साथ साथ आपके मेकअप को भी रिमूव करता है। इसमें मॉइस्चराइज़र भी है, इसके लिए आपको अलग से मेकअप रिमूव करने के बाद कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ नहीं लगाना पड़ता, ये ही काफ़ी है क्योंकि स्किन को ड्राई नहीं करता, पूरी डर्ट पूरा मेकअप सब कुछ ईजिली निकल जाएगा और स्किन भी ड्राई नहीं होगी। तो ये आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा इजीली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फेस अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है, कोई मेकअप कोई कुछ नहीं अब बचा है फेस पर, पूरा मेकअप को अच्छे से रिमूव कर दिया है। और इसके बाद मैं लगाऊंगी फेस पर अपना माई फेवरेट का एंटी एक्ने फेस सीरम। तो इसका जो काम है वो फेस से एक्नेस के जो मार्क्स हैं उनको रिड्यूस करता है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पर अभी पिंपल्स तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो रह गए हैं, तो उनको ठीक करने के लिए मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है। इसमें है वेगन सिलिकॉन और ये पेराबेन फ्री है। तो अगर आपको भी ये अपने लिए मंगाना है तो आप इसे अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इजीली इन्हें मंगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये भी है कि मेकअप उतारने के बाद, जैसे अभी आप हमारी स्किन पर हमें कुछ लगाना नहीं है, रात को सोना है कुछ भी नहीं लगाना है, तो इसे क्या लगा सकते हैं, रात भर ही अपना काम करेगा। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको अभी दिखाए हैं ये मैंने मंगाए हैं मेरा लिंक से, माई फेवरेट ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप भी अपने लिए ये ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना होगा, वहाँ पर आपको इन सब प्रोडक्ट की डिटेल्स मिल जाएंगी, और ये ही नहीं वहाँ पर आपको और भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपकी स्किन की नीड है, जैसे मैंने अपने लिए एक्नेस के लिए मंगाए हैं,
तो आपको जो भी नीड है, आपकी स्किन को जो भी नीड है, आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी। आप अपने लिए ऑप्शन चूज कर सकते हैं और वहां से आप अपने लिए जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप अपने लिए मंगा सकते हैं। आप जब जो भी नए कस्टमर उनके साथ जुड़ते हैं उनको मिलता है 10% डिस्काउंट न्यू कस्टमर्स को। और जो मेरा लिंक जो मैंने उसमें, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू आप वहां जाते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, उससे भी आपको मिलेगा 25% तक ऑफ। तो आपको अच्छा खासा वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप मंगाते हैं आपके अकॉर्डिंगली नहीं आती है तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं, 5 to 7 days के अंदर अंदर से रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न पॉलिसी भी है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात ये कि जो भी हम ऑर्डर करते हैं वो उसकी शिपिंग बिल्कुल फ्री है, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने हैं शिपिंग के लिए। तो आप इजीली अपने लिए पूरे इंडिया में कहीं भी कुछ भी अपने लिए ऑर्डर करते हैं तो आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा। तो जल्दी जल्दी जाइए और अपने लिए ऑर्डर कीजिए। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है वो साड़ी जिसमें से मैंने सूट बनवाया था। रेड मेहरून कलर की ये साड़ी है, वेलवेट की, बहुत ही प्यारा इसका कपड़ा है। और ये मुझे इंस्टाग्राम के पेज से रिसीव हुई थी तो मैंने इसमें से सूट बनवा लिया। आप देख सकते हैं इसका जो बॉर्डर है, साड़ी का बॉर्डर मैंने इसकी स्लीव्स पे यूज़ किया हुआ है। मैं इसको आपको इसे पास से दिखाती हूँ। इसका जो पूरा जो बॉर्डर है वो मैंने स्लीव्स पे यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा इसका डिज़ाइन बनवाया है, क्योंकि सूट तो मतलब विंटर्स में हम कुछ भी पहनते हैं, स्लीव्स अच्छी लगती हैं, ऐसे हाईलाइट होती है ना। क्योंकि स्वेटर मुझे इसके साथ पहनना नहीं था तो मैंने सोचा इसके स्लीव्स को ही हाईलाइट कर लेते हैं और इसके नेक को हाईलाइट कर लेते हैं। तो नेक इस टाइप से बनवाया है, जो मैंने इसके साथ लेस थी जो सूट में साड़ी में, वो इसको नेक पे और स्लीव्स पे यूज़ कर लिया। तो आप देख सकते हैं मैंने जो इसकी बेल्ट आप देख रहे हैं ये मुझे साड़ी के साथ ही रिसीव हुई थी, अलग से मैंने नहीं बनवाई है। जो आप साड़ी ये परचेज़ करेंगे तो इसके साथ आपको बेल्ट भी मिल जाएगी। दुपट्टा भी मेरे पास पहले से ऑलरेडी एक रखा हुआ था, वही दुपट्टा मैंने यूज़ कर लिया है। आप चाहें तो अपना अलग से ले सकते हैं या स्टॉल भी इसके साथ ले सकते हैं मैचिंग, जो आपको कंफर्टेबल लगे। और ये इसकी पैंट है, सेम नीचे भी ये डिज़ाइन जो आप देख सकते हैं वही वाला डिज़ाइन है, ये मैंने इसमें नीचे पैंट में यूज़ किया हुआ है। वेलवेट की उसी कपड़े की ये पैंट बनाई है इसकी। और ये जो पैंट है आप देख सकते हैं पीछे इसमें इलास्टिक है और आगे से प्लेन है। इससे फिटिंग जो है ना अच्छी आती है, ग्रिप अच्छी बनी रहती है। अगर पूरी ही इलास्टिक होगी तो वेलवेट का कपड़ा थोड़ा सा हैवी होता है, पूरी इलास्टिक होगी तो कम्फर्टेबल नहीं होगा, वैसे लगेगा जैसे नीचे फॉल हो रहा है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा साड़ी में से सूट बनाने का आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा, साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी या सूट ज़्यादा अच्छा लगा, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।